ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का पूर्व मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, राजस्व व भाजपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। विगत दिवस अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें खेतों में लगी सरसों, मटर व चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद आज सुबह से पूर्व मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेतों में किसानों से बीच जाकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। विधायक के द्वारा कई गांव में जाकर ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा लिया और किसानों के नुकसान को सरकार तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें उचित मुआवजा राशि प्रदान करने की बात कही। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस दुखद घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ है और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा राशि दिलाने की बात कही। साथ ही बटाईदार गरीब किसानों को भी मुआवजा राशि दिलाने की बात कही। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि बड़ी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि किसान साल भर मेहनत करता है, जब उसका लेने का मौका आता है और इस तरह की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ओलावृष्टि होती है, तो उसकी साल भर की मेहनत पानी में चली जाती है। और इसलिए इसके पहले भी देवलपुर, मौकच और नरदहा तरफ में भी पत्थर जब गिरे थे, ओलावृष्टि हुई थी, उस समय सदन का आखिरी दिन था, तो मैंने उस समय पे भी सदन के अंदर बात उठाई थी और 10 दिन के अंदर उनका सर्वे भी हुआ, मुआवजा भी उनका खातों में चला गया। लेकिन कल जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे ओलावृष्टि करीब 15-16 गांव में हुई है, जिसमें कई गांव ऐसे भी हैं, 10-12 गांव जो ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसलिए उन गांव में आज मैं स्वयं गया और हमारे साथ पूरे अधिकारी भी थे, पूरे हमारे कार्यकर्ता भी थे, सब लोगों ने जाके मौके पे किसानों से मिल के और खेतों में जो सही में हकीकत है वो देखने का प्रयास किया, जिसमें हमें ये देखने में आया कि फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ ही है, इसके साथ साथ जो हमारे घर हैं, जो कच्चे मकान हैं, उनमें भी क्षति हुई है और उनके किसी के यदि वो सीमेंटेड सीट हैं तो वो भी टूट गई हैं, यदि खपरेल वाले हैं तो खपरेल पूरे टूट गए हैं, और इसलिए ये सब बातें वहाँ पर आई और इसलिए उन सब का सर्वे हम करा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम मुआवजा अपने राजस्व भू संहिता के तहत जो प्रावधान हैं उसके तहत हम दे सकें, वो हम देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार निरंतर ऐसे लोगों के साथ में है और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया था, पिछली बार कमिश्नर कलेक्टर लोग भी मौके पर पहुंचे थे, आज भी उन लोगों के द्वारा निर्देश हमारे प्रशासन शासन और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि ऐसे जो भी हमारे किसान हैं इन सबको हम सर्वे भी कराएंगे और मुआवजा भी इनका देंगे। इसके साथ साथ एक शिकायत और आई है बटाई को लेकर, बहुत से गरीब आदमी हैं जो बटाई पे जमीन, आप इसमें इनका पंचनामा बनाएं और जो बटाईदार हैं उनके हिस्से में भी उनकी राशि जानी चाहिए, ऐसा भी मैंने कलेक्टर महोदय को भी बोला है और हमने अपने तहसीलदार SDM को भी।